इस बार कैसे मानेंगे आडवाणी? भोपाल से लड़ना चाहते थे लेकिन टिकट दिया गया गांधीनगर से। गडकरी और सुषमा मना रहे थे तो मोदी आरएसएस के साथ बैठक कर रहे थे, तो क्या बिना मन के भी फिर मानने पर मजबूर हो जाएंगे आडवाणी? आखिर नहीं माने आडवाणी। दिन भर के चिंतन मनन के बाद जब नतीजा गांधीनगर के नाम का आया तो बीजेपी के भीष्म पितामह का मौन विरोध मुखर हो उठा। आडवाणी की इच्छा भोपाल से चुनाव लड़ने की थी और इसके लिए भूमिका तैयार कर ली गई थी, लेकिन फैसला उल्टा हुआ। पार्टी ने फैसला सुनाया है कि अपनी परंपरागत सीट गांधीनगर से ही चुनाव लड़े आडवाणी। खैर, फैसले के बाद मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। एक घंटे तक आडवाणी के घर पर नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज बैठे रहे, मनाने की कोशिशें चलती रहीं, लेकिन बाहर निकले तो मीडिया को बताने लायक कुछ नहीं था। गाड़ी सरपट दौड़ी पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर। आडवाणी का पैगाम लेकर गडकरी और सुषमा राजनाथ सिंह के घर गए। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी ने कहा कि जब राजनाथ और नरेंद्र मोदी अपनी सीट बदल सकते हैं तो वो क्यों नहीं, यानी मामला सुलझने के आसार में नजर नहीं आ रहा। इसी बीच बैठक के तुरंत बाद एक और गाड़ी निकली। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने झंडेवालान के संघ कार्यालय पहुंचे। अटकलें तेज होने लगी कि कहीं ना कहीं मामला आडवाणी की सीट का ही है। उधर मध्य प्रदेश से आडवाणी के स्वागत की तैयारियां पूरी हैं। आडवाणी के रूठने मनाने के इस नए सिलसिले ने विरोधी राजनीतिक दलों को सुनहरा मौका दे दिया है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस ने इसका पूरा फायदा उठाया। बहुत दुख की बात है कि जिस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की कोई इज्जत नहीं है, कोई मान मर्यादा नहीं है, कोई मान मर्तबा नहीं है, तो ऐसे शख्स को हम क्या कहेंगे? आडवाणी मानेंगे या नहीं, मोदी की इज्जत चलेगी या नहीं, आरएसएस से क्या दिशा निर्देश मिल रहे होंगे, इन सवालों के जवाब का इंतजार रहेगा। नरेंद्र मोदी के दबाव में बीजेपी ने भले ही लालकृष्ण आडवाणी की गांधीनगर से उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया हो, लेकिन आडवाणी अब तक नहीं माने। बीजेपी के आला नेता फॉर्मूले की तराश में रात भर भटकते भी रहे, लेकिन एक चीज तो साफ है कि नेताओं के अहम के टकराव में नुकसान तो बीजेपी का ही हो रहा है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।